उत्तराखंड की सरकार को लेकर दिल्ली में हुए मंथन के बाद सोमवार को देहरादून में भाजपा विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसके बाद ही उत्तराखंड के सीएम के नाम का ऐलान होगा। उत्तराखंड भाजपा पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी भी सोमवार को देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद उत्तराखंड के सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। उत्तराखंड में भाजपा ने दोबारा प्रचंड बहुमत हासिल कर नया इतिहास रच दिया है, जिसके बाद सोमवार को ये भी साफ हो जाएगा कि इस बार पहाड़ की कमान किस नेता के हाथ में होगी, यानी कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सोमवार को देहरादून में भाजपा विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी भाजपा विधायक हिस्सा लेंगे। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड भाजपा के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी भी सोमवार को देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा के तमाम विधायकों के साथ अहम बैठक की जाएगी। उत्तराखंड सरकार को लेकर दिल्ली में अहम मंथन जारी है। सोमवार शाम देहरादून में विधानमंडल दल की बैठक होनी है। उत्तराखंड भाजपा पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी यहाँ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पहाड़ पर सरकार के लिए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में सोमवार को नए विधायकों की शपथ का समारोह भी सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा, जहां पर सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी और इसके बाद सभी विधायकों की शपथ का सिलसिला शुरू होगा। वहीं शपथ ग्रहण के लिए उत्तराखंड विधानसभा में तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के गठन की कवायद तेज हो गई है, लेकिन पेच मुख्यमंत्री के नाम पर फंसा है। पर कुछ चीजें स्पष्ट हो गई हैं, और पहली चीज स्पष्ट यह है कि उत्तराखंड विधानसभा में सोमवार को जो नव निर्वाचित विधायक हैं उनका शपथ ग्रहण होगा। सोमवार को सुबह 10:30 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि राज्यपाल हैं, वो उत्तराखंड के प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे, और प्रोटेम स्पीकर पहुंचेंगे विधानसभा, वो यहां पर नव नियुक्त विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। और उसके बाद उत्तराखंड विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में उत्तराखंड की सरकार को लेकर तमाम बातें तय की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उत्तराखंड विधानसभा विधानमंडल दल के नेता के चुनने के लिए हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को पर्यवेक्षक के रूप में और मीनाक्षी लेखी जी को सह पर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड भेजा है, और कल हमारे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में शाम 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक सुनिश्चित की गई है। माना जा रहा है कि सोमवार को देहरादून में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में यह तय होगा कि किन विधायकों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को भी जगह मिलने वाली, जिससे पुराने मंत्रियों की टेंशन बढ़ी हुई। पहले आपको ये बताते हैं कि पुरानी धामी सरकार में किन मंत्रियों को जगह मिली थी। पुरानी सरकार में बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल मंत्री थे, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत को भी मंत्री पद मिला था, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल भी मंत्री थे, अरविंद पांडे और रेखा आर्य के पास भी मंत्री पद था। देहरादून में सोमवार को होने वाली विधानमंडल दल की बैठक में ये भी तय किया जाना है कि किन विधायकों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। ऐसे में कई सिटिंग विधायकों की टेंशन भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, जो पिछली सरकार में मंत्री बनाए गए थे। उत्तराखंड में भाजपा को प्रचंड बहुमत तो मिल गया, लेकिन मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट पर चुनाव हार गए, जिसकी वजह से सीएम के चेहरे को लेकर पेंच फंस गया। ऐसे में सोमवार को देहरादून में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में जहां एक ओर सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है, तो दूसरी ओर नए मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह मिल सकती है ये भी साफ हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद उत्तराखंड भाजपा पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह सीएम के नाम का ऐलान कर सकते हैं, जिसके बाद ये भी साफ हो जाएगा कि भाजपा आला कमान ने उत्तराखंड में सरकार के लिए किस फॉर्मूले पर अपनी मुहर लगाई है। उत्तराखंड में सरकार को लेकर बना सस्पेंस सोमवार को होने वाली विधानमंडल दल की बैठक के बाद खत्म हो जाएगा।
उत्तराखंड भाजपा पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह सीएम फेस का ऐलान भी कर देंगे, साथ ही नए मंत्रिमंडल में इस बार किन चेहरों को जगह दी जा रही है ये स्थिति भी साफ हो जाएगी, इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोन परमार के साथ रवि कैंथरा, एबीपी गंगा, देहरादून।